नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज सुबह मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी वोडाफोन के लिए, जिसमें कहा था कि शेयर आज बढ़ने वाला है और शेयर थोड़ा सा बढ़ा, ऊपर गया, 30-35 पैसे से ऊपर हुआ, फिर थोड़ा सा गिरावट और फिर थोड़ा सा अटक गया। तो जरा खुश मत होइए दोस्तों, फंसाने का जाल लग चुका है। बड़े 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 इन्वेस्टर इस चीज में हमारा फायदा उठाते हैं, तो खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने में फंड आने की बात हुई है, तो 2-3 महीने में तो इसमें ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये देख लेना आप, मंडे को ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा और हम खरीदारी करेंगे, फिर ये मंडे की शाम को ही थोड़ा नीचे आएगा। एक बार तो अपर सर्किट भी ये मंडे को लगा सकता है, लेकिन मेरी बात सुनिए भाई आप, 11-12 में तो पहुंचेगा आइडिया, लेकिन हमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो नीचे लेवल पे जिन्होंने बाइंग किया है वो थोड़ा अपना प्रॉफिट ढीला कर लें, क्योंकि आइडिया शेयर को जाना तो है ही, लेकिन रुला रुला कर, और आपको पता है ये शेयर रुला बहुत रहा है। एक साल से ये 8 रुपये में चलता है, फिर घुमा के 13 से फिर दोबारे 8.5 रुपये में और 9 रुपये में चक्कर काट कर फिर ऊपर नीचे करके ही आ जाता है। लेकिन कई लोगों ने इसी दौरान इसी शेयर से, जिसमें हमें लॉस होता है, कई बार प्रॉफिट लिया होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि खरीदना कब है और बेच कर निकलना कब है। तो भाई साहब देखिए, जब तक कि पब्लिक की होल्डिंग किसी भी शेयर में ज़्यादा रहेगी, उस शेयर में अपर सर्किट बहुत कम लगता है, और जिस शेयर में अपर सर्किट कम लगता है हमें वो शेयर पहचानने हैं। वो शेयर में आपको बताऊंगा कि वो शेयर कौन कौन से होते हैं कि जिसमें अपर सर्किट लगने के चांस 99% रहते हैं, और उसमें से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो वोडाफोन आइडिया में बने रहिए, प्रॉफिट भी होगा, निकल जाइए। जिनको लॉस है उनको होल्ड करने की सलाह है, और जिनको प्रॉफिट हो रहा है उनको बेच कर निकलने की सलाह है, क्योंकि जब भी होल्डिंग इसमें बनानी है तो 13 के बाद बनानी है। जब तक के ऐसे ही खेल खेलते रहिए, और मेरी सारी वीडियो देख लीजिए कि मैं जो प्रिडिक्शन करता हूँ उसमें कितनी सही हुई है। और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है वो कमेंट कीजिए, और जिनको बेकार लग रही है वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि बेकार वाले कमेंट को पढ़ने का मजा ही अलग है, क्योंकि उन लगता है मुझे कहीं ना कहीं जो बेकार कमेंट करते हैं वो बड़े ही दिल जले होते हैं, और जो दिल जले को सुधारना, दिल जले को मनाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि मैं उनको भी साथ लेके जाता हूँ, क्योंकि भाई उनका भी नुकसान हुआ है। अगर उनका नुकसान हुआ है तो उनको फायदा भी हम दिलाएंगे, और उनके चेहरे पे मुस्कान हम ही लाएंगे, उनके दिल में बाहर ही बाहर ला देंगे। पर एक बार अपनी साइकोलॉजी को जगा लो, मेरे दूसरे चैनल में भी आ जाओ जिसका नाम है डीप सर्च 6। उसमें एक से एक बातें बताई जाएंगी, आपकी पर्सनैलिटी को गेन किया जाएगा और आपकी बोलने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इतना बढ़ा देंगे कि आपके घर वाले भी आपसे कहेंगे बदल गए हो, बदल गए हो, बदल गए हो। तो बदलना ही जिंदगी है, बदलना ही जिंदगी है। तो बने रहिए वोडाफोन आइडिया में, और कुछ बताने के लायक इसमें होता नहीं, क्योंकि दो ही चीजों में खेल होता है, लॉस और प्रॉफिट। जिसको प्रॉफिट हो रहा है सब उसकी बात मानते हैं, और लॉस करने वाले की बात तो खुद झुनझुन वाला भी नहीं मानते हैं। अगर आप ये बात सुन लिए, आपने बहुत पेपर वर्क कर लिया, आपने बहुत एग्जाम दे दिए, उसमें पास ही ना हुए तो आपकी बात मानेगा कौन। तो इसलिए कह रहा हूं प्रॉफिट कीजिए, और प्रॉफिट को कभी अपने हाथों से जाने ना दीजिए। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।